नाइन न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ नेहा। बता दें आपको कि जीरकपुर में रविवार को प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार तिपेंद्र सिंह ढिल्लो को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं इस रोड शो के दौरान 70 लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं, इसकी शिकायत लोगों ने पुलिस को दी है। इस मौके पर प्रियंका गांधी के रोड शो में चुनाव आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया गया था। हालांकि ढिल्लो ने रोड शो की अनुमति ली थी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने ढिल्लो को रोड शो के दौरान वीआईपी रोड पर बिना अनुमति के लगाए गए फ्लैक्स बैनर और झंडे के लिए नोटिस जारी किया है। यही नहीं, रोड शो के दौरान और भी कई नियम तोड़े गए थे। उनके रोड शो से अंबाला हाईवे पर करीब 2.5 घंटे तक जाम लगा रहा। इस कारण पुलिस को वैकल्पिक रास्ते से ट्रैफिक को निकालना पड़ा। 3 किलोमीटर की अनुमति लेकर रोड शो को 5 किलोमीटर तक निकाला गया। 1000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने पर पाबंदी होने के बावजूद 3000 से ज्यादा समर्थक रोड शो में शामिल हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा भगवंत मान के रोड शो पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आप प्रत्याशी कुलजीत सिंह रंधावा को नोटिस भेजा था। प्रियंका गांधी का रोड शो पटियाला रोड पर गुरुद्वारा श्री नाभा साहिब से शुरू हुआ था और वीआईपी रोड से होते हुए मेट्रो प्लाजा पर खत्म हुआ। इस बीच 4 से 5 हजार समर्थक रोड शो में शामिल हुए थे। इस भीड़ का चोरों ने काफी फायदा उठाया और 70 से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। इस दौरान कई समर्थकों की पुलिस वालों से हाथापाई भी हुई और कई लोग भीड़ के दौरान गिरकर जख्मी भी हुए। एसएचओ जीरकपुर ओमकार सिंह बराड़ ने कहा कि उनके थाने में मोबाइल चोरी की शिकायतें आ रही हैं, इनकी पड़ताल की जा रही है। वहीं इस रोड शो के दौरान कुछ सोसाइटी वालों ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी के आने से पहले उनकी सोसाइटी के गेट को बंद करवा दिया गया था। उन्हें तब तक सोसाइटी से बाहर ही नहीं आने दिया जब तक रोड शो खत्म नहीं हुआ। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा SPN 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।